चार आसन इंज कहते मां बाबा तेग बहादुर जी के घर
चार पुत्र हुए ने। चारा विच सब तो वड्डे सन धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज, पर इन्होंने अपनी शादी जिहड़ी है ना उह चारा तो बाद कराई है, भाव कि अपने धामां तो बाद कराई है, क्योंकि बचपन तो ही कुछ बिरती जिहड़ी है परमात्मा वल लगी हुई सी। यही कारण है कि ग्रस्त नूं बहुता चंगा नहीं सी समझदे। वैसे ना जदों तक बंदा गुरमत का घर ना बने, गुरबाणी के अनुसार अपने जीवन में व्यतीत ना करे, तो वह कर्मकांडा में पिया रहा है। धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी का जीवन जो असीं पढ़ते हैं ना, तो यह गल स्पष्ट हो जाती है। और गुरु अमरदास महाराज जी ने अपनी बाणी में बहुत लिखा है कि गुरु तो बगैर मनुख की गलत नहीं, गुरु तो बगैर मनुख को आनंद की प्राप्ति नहीं। धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज ने मैं भी भोत भटकता रहा कि मैं परमात्मा मिल जाए, आनंद की प्राप्ति हो जाए, पर कहें कि जदों तक मैं अंदर देव पातशाह महाराज जी की शरण में नहीं आया ना, उदों तक इस आत्मिक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। और सच्चाई भी है, भावों अंदर किन्ने भी कर्मकांड कर ले, किन्ने भी जप तप कर ले, जदों तक वो गुरु के हुक्म विच नहीं फिरेगा, काल करे हो उदों तक आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। धन गुरु अमरदास महाराज कहते मैं 60 साल की उम्र तक बहुत कर्मकांड किए, और आप जी को ज्ञात हो गए हर साल धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी गंगा के इशनान वास्ते ना हरिद्वार जाते हैं कि पाप होए जाएंगे, जन्म सफला हो जाएगा। पर नहीं, जदों एक साधु मिले आया बाबा अमरदास के रूप में, गुरु अमरदास महाराज जी ने बड़ी सेवा की है, क्योंकि उदों तक गुरु नहीं सी बने, बड़ी सेवा की। और जदों उस साधु ने पूछा कि बाबा अमरदास तुहाडा गुरु कौन है, तो गुरु अमरदास महाराज जी कह लगे मैं तो गुरु धारण किया कोई नहीं। वो कहता फिर तेरा भी जीवन बेकार, मेरा भी सारा बर्बाद हो गया। गुरु अमरदास महाराज जी कह लगे क्यों क्यों, कहते गुरु तो बगैर मनुख की गलत कोई नहीं, जदों तक गुरु ना मिल जाए उदों तक परम पद की प्राप्ति बंदे नूं नहीं जे हो सकती। सतगुरां ने बाणी विच भी गल लिखी है कि गुरु तो बगैर आनंद की प्राप्ति नहीं। सब संगत एक बेनती आप जी के चरणों विच करदे हां, अज जना खड़ा अपने आप गुरु बना करके बैठे हैं, पखंडी बने बैठे हैं, और सच्चे बंदे जेड़े ने ना बहुत घट ने। धन गुरु अमरदास महाराज जी कहते ने हैन बिजले ना ही भणी, फैल पकड़ संसार। और इस गल में सच समझना कि धर्म के नाम के उत्ते ना सन बड़ा लुटिया जा रहा है, धार्मिक बंदे लुट रहे हैं क्योंकि पखंड बहुत है, पखंडी बन के बैठे ने, पर असी सीधे साधे बंदे पखंड के अंदर फस जाते हैं। धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज कहते हैं है न बिजले, ये नहीं कि नहीं है, धार्मिक बंदे है, परमात्मा के नाल जो जुड़े हुए ने वो है, इस गल तो इनकार नहीं जो किया जा सकता नहीं, पर है न बिरले बहुत घट बिरले नहीं, है न बिरले ना ही धने बहुत ज्यादा नहीं, धने का ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं, फैल पकड़ संसार अखंड बहुत है, दिखावा बहुत है। और बेनती करते हैं कि अज असी दिखावे में ही धर्म समझते हैं, जो असी रसमां करते हैं धर्म के नाम के उत्ते उसनों ही असी धर्म समझ लिया, असल धर्म तो टुट गए। असल धर्म की है, परसों सिंह साहब जी इत्थे सत्कार का ज्ञानी हरदेव सिंह जी आए सन, उन्होंने बोलदिया होया ये गल टोट की, गल आखी कि धर्म कितों पैदा होता है, धर्म हों
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆਲੂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਲਾਵੇ ਤੇ ਸਕੰਠ ਲਾਵੇ ਹਰਿਹਰ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀ ਸੰਤਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਤਿਆਲੂ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਾਲੂ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਚਿਤਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਲਬਰਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਉਸਦੇ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ, ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ ਉਸਦੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਲਬਰਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਦਇਆਲੂ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਇਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦਇਆਲੂ ਹੈਗਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਇਆਲੂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਇਆ, ਖਿਮਾ, ਸੰਤੋਖ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਖਵਾੜੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਿਮਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਿਆਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭੜੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅਮਰਾ ਪਛਾੜ ਵਿਖੈ ਵਿਖ ਖਾਈ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਪਾਤੀ ਤੇ ਬਖਸ਼, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਪਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਸਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰਦਾ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਲਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਲਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਣੀ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ
करती है, ज्ञान की रोशनी करती है। तो गुरु गुरबाणी फिर सन यकीन तौर पर इस संसार को पार लगा देता है। धर्म जो कोई दिखावे का विषय नहीं, धर्म जेड़ा है साडे अंदर गुण पैदा करता है, जिसके अंदर किमा गुण पैदा हो गया, संतोख गुण पैदा हो गया, जिसने अपने अंदर त्याग वाली भावना पैदा कर ली, वही धार्मिक बनता है। भावे वेखण नूं धार्मिक ना लगे, सतसंग गुरु ने अपने सिख नूं गुणी बनाया और गुणा करके गुणी बनाया। ये नहीं कि केवल दिखावा रहा दे रहे, सत्कार जो प्यारा सिंह कदम ने एक बड़ी प्यारी गल लिखी, वो कहते अरे साढ़े बच्चे धर्म को लुट के जा रहे हैं। पर वाकई ये गल सची है, केवल सिखा की नहीं, जो दूजिया की गल भी करिए ना तो वह लोग भी उसे धार मार नहीं जे रहे, उत्तों उत्तों विखावे की गल नहीं, अंदरों जुड़े हुए नहीं। जे अपनी गल करिए, साडे बच्चों ने तो गुरुद्वारे आना छड़ दिया, असी बाणी तो टुट गए, बाणी तो भी टुट गए, क्योंकि असी बाणी तो अपने आप टुटे तो साडे बच्चे जिहड़े ने बाणी तो टुटते चले गए। हुण देखण नूं की मिलता है, दादा जिहड़ा ना अमृत धारी मिल जाएगा, साबत सूरत अमृत धारी रहत रहत रहता है, पर उसका हके जेड़ा पुत्र है वो अमृत धारी नहीं, वो साबत सूरत जरूर बन गया पर अमृत धारी नहीं। ते अभी तुसी की देखोगे जेड़ा पुत्र है ना वो साबत सूरत भी नहीं। ये जदों असी विचरते हैं ना इन्हों गलों वेख वेख के परेशान होते हैं कि सिखी का बनेगा कि बच्चे जेड़े ने किसान के बेलवे कर रहे ने, सिखी को मुनकर हो रहे ने, उसका सब तो वड्डा कारण यह है कि असी बाणी तो टुट गए हैं और बाणी सानू अंदरों बलवान करती है, अंदरों टुकड़ा करती है। जब बाणी को टुटांगे तो ही साडा आत्मा जीवन कमजोर होएगा। ख्याल करियो, जिसका आत्मक जीवन कमजोर हो गया, शरीर पक्षों को कितना भी आकड़ा हो गए पर वो किसी का आकड़ा नहीं दे कर सकता। आकड़ा कौन कर सकता है जिहड़ा आत्मक जीवन करके मजबूत है। एक निकली घटना किया आप जी के सामने रखते हैं, पहाड़ी राजिया ने आनंदपुर साहब का किला दरवाजा खोलन वास्ते हाथी शराब लिया करके मस्त कर दिया, तवियां बन दिखाई हाथी के उत्ते लोहे कि हुण ये हाथी जिहड़ा ना दरवाजा तोड़ देगा, क्योंकि सेना को टुटिया नहीं, हाथी मजबूत है, शराब लिया दी मस्त हो गया तोड़ दे। जब सिखा पता लगा तो सिखा धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज को आकर के बेनती करते ने, सच्चे पातशाह पहाड़ी राजिया ने मस्त हाथी भेज दिया किला तोड़न वास्ते। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी कहने लगे साडे कोल भी हाथी है। सिख जान लगे पातशाह केड़ा लिया, कहिंदे दुनी चंद। हुण दुनी चंद दे खिलाफ बहुत बहुत बड़ी सी प्रशादा बचिया होया, लंगर का दाल बची हुई, सारा कुछ छप जाता सी। इतिहासकार लिखते ने बड़ी पकड़ी खुराक से ते बड़ा पकड़ा उसका शरीर सी, पर अंदर आत्मक जीवन नहीं सी, कमजोर सी। कहिंदे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज ने दुनी चंद नूं अपने कोल सद्या कि दुनी चंद पहाड़ी राजिया ने हाथी मस्त करके भेज दिया, पर तू हाथी का मुकाबला करना। दुनी चंद कहिंदा पातशाह मैं किवें हाथी का मुकाबला करांगा, तू हाथी तू मस्त होया पैया बंदियां हुई ने, तो फिर मैं एक बंधन मैं किवें हाथी का मुकाबला कर सकता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कह लगे करना पड़ेगा। उस टाइम तक सत वचन करके कह गया कदापि कंध रख के टुटे आए हैं, जब लगन लगा ना आगे सब लड़के अगर उसकी मौत हो गई। तो दूजे पास जब गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी ने पता लगा ना दुनी चंद दौड़ गया, सिखा आ करके क्या सिखे कर
जिसने तुसी अपना हाथ ही दसते से ना वो दौड़ गया, दुनी चंद दौड़ गया। गुरु गोविंद सिंह पातशाह महाराज ने भाई मजीतर सिंह संदो, भाई मजीतर सिंह आते ने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कह लगे हाथी का मुकाबला करो। भाई मजीतर सिंह कहते सच्चे पातशाह थापड़ा बख्शो कि मैं जावा और आप सारिया ने पता है। भाई मजीतर सिंह ने जाकर के उस हाथी को मार दिया जिहड़ा मस्त होया होया सी। सिखा ने अपनी वाहवाही की, भाई मजीतर सिंह कद भी कोई तेरा चंगा नहीं, छोटा जा कद है, शरीर भी कोई भारा नहीं, हल्का शरीर है, पर तू हाथी को मार दिता बड़ी ताकत है। पर भाई मजीतर कहने लगे कि सिंह की ताकत मेरी नहीं, ये तो गुरु का थापड़ है, गुरु के थापड़े करके ना हाथी मरे है, मजीतर सिंह की कोई ताकत नहीं, मजीतर सिंह की कोई माया नहीं है कि एक हमस्त हाथी को मार सके। ये तो गुरु का दिता हुआ जीवन है, ये तो गुरु का दिता हुआ थापड़ा है, ता जो मैं हाथी मार दिता। सत संगत मैं बेनती कर लगा, शरीर ताकत जीड़ी है बहुते मायने नहीं जे रखती, जे अंदरों आत्मक जीवन नहीं, आत्मक जीवन बलवान नहीं, आत्मक जीवन कमजोर हो गया, शरीर की ताकत किन्नी भी हो गई तो फिर बंदे मंजिल प्राप्त नहीं जे करन देंदे, जित प्राप्त नहीं जे करन देंदे। इस करके गुरबाणी जीड़ी है ना ਸਾਡੇ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹਤੇ ਪੰਚ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਥਾਪੇ ਕੰਢ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਥਾਪੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਿਹਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਹੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਇੱਕ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੱਤੇ ਪੜ ਦਿੰਦੇ। ਨਿਹੱਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਿਹੱਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ। ਨਿਹੱਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਸਨ, ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਸਨ, ਪੰਜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੀ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਰ ਸਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਜੇਰਾ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕੇਵਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਸਮ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਤਮ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਥਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਉਨਾ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬੋਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹਿਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਣੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੈਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ,
बंद कर दी, कथा कीर्तन सुनना बंद कर दिया। जे कि सुनते ना फिर गुरु नानक देव पातशाह महाराज कहते ने सुनन वालिया की अवस्था तो बड़ी ऊंची बन जाती है। सुने है सिद्ध पीर सुरना, सुने अज साडे जीवन के अंदर खुशी नहीं, खेड़ा नहीं, असं परेशान रहते हैं, चिंता विच रहते हैं, दुखी रहते हैं, क्योंकि असं गुरबाणी सुननी बंद कर दिया। जेडे सुनते ने उन्होंने बाबत तो धन गुरु नानक देव पातशाह महाराज कहते हैं, नानक भगत सदा विकास सुने दुख पाप का नास। जेडे बाणी सुनते ने अपनी सुरत जोड़ते ने बाणी विच, उन्होंने जीवन का खुशियां ते खेड़ियां दे नाल भरिया रहता है, उन्होंने जीवन विच दुख नहीं, सुने दुख पाप का नास। सुनन के नाल दुख ते पाप दोवें नाश हो जाते हैं। अज सिख कहता मैं दुखी हाँ, भाई साहब जी अरदास करो। हुण भाई साहब अरदास की करेगा, तुसीं ख्याल करियो अरदास करो तां सुणे जे असीं अपने जीवन विच तब्दीली लै के आई। अरदास गुरु तां सुणे जे असीं गुरु दी सुणीए, असीं गुरु दी सुणनी बंद कर दिया। मैं पिछे भी बेनती कीती सी कि असीं सारे कहते हाँ कि साडा गुरु गुरु ग्रंथ साहिब है, पर ख्याल करना असीं गुरु ग्रंथ नूं ग्रंथ जरूर मनते हाँ, गुरु जरूर मनते हाँ, पर गुरु ग्रंथ दे मनते नहीं। जिस पासे गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज सानूं लै के जाना चाहते हैं, जिवें बनाउणा चाहते ने, उवें असीं अपने बनदा कोई नहीं। असीं गुरु ग्रंथ नूं मनते जरूर हाँ, पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की गल एक भी नहीं मनते। जे कितने एक भी मन लेंगे ना तो जीवन साडा चंगा बन सकता सी। साडा तां हाल ये है कि असीं तां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पहले अक्षर के नाल भी नहीं जुड़े, असीं तां हुण एक ओंकार के नाल भी नहीं जुड़े। जे सिख इन्नी गल मन ली कि एक दे नाल जुड़ना है, तेरा खसम एक है, वो खसम जिहड़ा सारिआं नूं पैदा करन वाला है, सारिआं नूं रिजक देण वाला है, सारिआं नूं मारन वाला है, पर सिख अज थां थां ते जा करके नक्क रगड़ता है, दुनिया रगड़े, पर जे पढ़न वाला जिहड़ा दिन रात पढ़दा होवे, इहो है भाई इहो है साहिब मेरा एको है, तो एक दी गल सुनन वाला एक दी गल मनदा नहीं, एक नूं मनदा कोई नहीं। दुनिया मन्ने, दुनिया चाहे, दुनिया इस गल दा प्रचार करे, एका माई जुगत बियाई फिर चेले जवान, एक संसारे एक भंडारे एक लाए विवान। ये दुनिया दी अपनी गल है, ये आम लोकां दा सहारा है, ये आम लोकां दी गलत फहमी है, ये आम लोकां दा प्रचार है कि एक माई जिहड़ी है जो प्रसूत होई, उसने तीन पुत्रां नूं जन्म दिता, एक संसारी एक संसार नूं पैदा करन वाला ब्रह्मा बन गया, एक भंडारी भंडारे देण वाला विष्णु बन गया, एक लाए दीवान एक अदालत लगाउण वाला कचहरी लगाउण वाला जज बन गया, जिसनों नाम दे दिता गया शिव। पर यह विचारधारा जिहड़ी है गुरु नानक पातशाह दी नहीं, ये आम लोगों के अंदर प्रचलित जिहड़ी गल है ना गुरु नानक पातशाह महाराज ने वो दर्ज कीती है। एक माई जुगत लियाई तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। गुरु नानक की कहते ने, जिव तिस पावै तिवै चलावै, जिव होवै फिर माण। एक परमात्मा जिवें तू चाहुंदा ना उवें संसार चलता है, इन्हां तिन्नां दी कोई गल नहीं, तो एक है। गुरु नानक ने एक दे नाल जोड़िया और इस एक दे बाबत यह गल कह दी कि जिव तिस पावै तिवै चलावै, जिव होवै फिर माण वो वेखै। हुण देखो ये हैरान करन वाली गल है, वो वेखै परमात्मा सारिआं नूं देखदा है, सबनों देख ले, कोई
ऐसा नहीं जिस नूं परमात्मा ना वेखला होवे। इस करके परमात्मा नूं असीं कहिंदे आं अंतरजामी, जिहड़ा हरेक हिरदे दी जान के अंतर की जान को भले बुरे की पीर पछाणदा। असीं लोकां तों लुका सकदे हां, लोकां दे नाल धोखा कर सकदे हां, लोकां दे नाल साडा इह वरतार है कि असीं मूहरे उत्ते कुछ ते हिरदे दे अंदर साडे कुछ, उह साडा वरतार है। पर जिहड़े सच्चे आशक ने ना मनो ते तनो, भाव के मन के अंदर जो होएगा उही पूरे उत्ते लै करके आउंदे ने। रत्ते इश्क खुदाई रंग दीदार के विसरे आए नाम ते होए पार पीए। इस शब्द विच भगत बाबा शिव जी कहिंदे ने, दिलों मोहब्बत जिन सही सच्चे आ, जिन मन होर मुख होर से कंडे कच्चे आ। जिन्हां दे मन विच कुछ होर है, मुख विच कुछ होर है, ऐसे जिहड़े आशक ने ना कच्चे ने, उहनां नूं पक्के नहीं देखिआ सी। इस करके सतगुरां ने सानूं दिलों ते मूहों इक होण दी गल कीती। जिहड़ा वचन असीं मूंह दे नाल कर दईए ना, कोई साडे हिरदे दे अंदर होना चाहीदा, जो साडे मन विच होवे कोई मूहरे उत्ते आनी चाहीदी है। पर अज असीं कितने कपड़े बन गए हां, इतने पखंडी बन गए हैं, इन्ने चालबाज बन गए हैं कि मूँह के नाल कुछ होर बोलते हैं तो साढ़े मन विच कुछ होर होता है। गुरु नानक पातशाह महाराज कहते हैं कि परमात्मा सारियां नूं वेखदा है, वेखदा है, उन्ना नजर ना आवै। पर ख्याल करियो, परमात्मा सारियां नूं वेखदा है, पर जिहड़े परमात्मा दे पैदा कीते होए जीव ने उह कोई भी परमात्मा नूं नहीं जिहड़े सकदा, उहनां नूं परमात्मा नहीं जिहड़ा। पर इह सच्चाई भी है, क्योंकि परमात्मा को शरीर नहीं, जिसनूं असीं सोचिए जिन्हां अखां दे नाल देख लईए। संसार इस भुले विच पिया होया है कि परमात्मा नूं इन्हां अखां दे नाल वेखीए। इस करके मूर्तियां विच बंद कर दिता कि मूर्ति खाप लईए ते समझ लवांगे जे परमात्मा है। मूर्ति बना दिती, मूर्ति बनाई जा सकती है, पर ख्याल करियो उस विच परमात्मा नूं पैदा नहीं कीता जा सकता। असी मूर्ति विच परमात्मा नूं कैसे बना सकते हैं, क्योंकि थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। उसनूं मूर्ति वांग असी नहीं थाप सकते हैं, भुलेखे विच ना रह जाइए कि मूर्ति वांग असी थाप देवांगे। मूर्ति को गल याद आई, कल एक व्हाट्सएप से मैं मैसेज पढ़िया और बड़ा चंगा सा, बहुत चंगा। जे असी एक इस पंगती दे मैसेज नूं समान लईए ना, तो बड़ी जीवन दे अंदर तब्दीली आ सकदी है। जिसने तो मैसेज बनाया बड़े कमाल का सी, चंगी गल कितों भी मिले तो सानूं अपने जहन विच बिठा लैनी चाहीदी है, मन लैनी चाहीदी है। तो कहिंदा असी मूर्तियां बनाउंदे हां, बंदा मूर्तियां बनाउंदा है और मूर्तियां दी फिर पूजा करदा है। तकरीबन सारी कहिंदे जिन्हां धर्मां विच मूर्ति प्रति आस्था है, मूर्ति पूजा भी करदे ने, मूर्ति नूं भोग भी लगवाउणगे, मूर्ति नूं धुप भी पीके पाउणगे, क्योंकि मूर्ति पूजक नहीं। हुण जिहड़ी मूर्ति बंदे ने बनाई है, पत्थर दी मूर्ति है, उस मूर्ति नूं धुप भी पियाया जांदा है, भोग भी लगवाया जांदा है, उसनूं माला भी पाई जांदी है, पूरा सत्कार दित्ता जांदा है। पर उसने अगली जिहड़ी गल लिखी ना, वो बड़े कमाल दी सी। वो कहिंदा है, जिसने साढ़े वर्गियां मूर्तियां बनाइया नहीं, भाव के जिन्हां मापिया ने सानू बनाया, सानू पालिया, सानू पोसिया, अपने आप भुखा रह करके सानू रोटी देती है, अपने आप दुखी रह करके सानू सुखी रखने की कोशिश की है, उन्हां मापिया की असीं किन्नी कु कदर करते हैं, उन्हां मापिया का असीं किन्ना कु सत्कार करते हैं। गुरु प्यारे,
मैं अक्सर बेनती करता हाँ कि सब तो वध जे किसी का सत्कार करिए अपने मापिया का सत्कार सारे का करिए पर सब तो वही जी पूजा दुनिया के अंदर है ना वो है मापिया की। पर भाई गुरदास जी ने इस प्रति अपनी एक पौड़ी लिखी है। वो कहते कि बंदा अपने मापिया की पूजा छड़ के अपने मापिया की सेवा छड़ के करता फिरे लंगर करता फिरे दान करता फिरे तीर्थां ते इशनान घर बैठे हुए मापी जो परेशान ने उन्होंने अपने आप इशनान कराता नहीं उन्होंने रोटी देता नहीं उन्होंने पूजा करता नहीं उन्होंने सत्कार नहीं उन्होंने सेवा संभाल नहीं फिर ऐसे दान का कोई फायदा नहीं। जिते मापिए परेशान हो जिस घर तो दान करता फिरे वर्त रखता फिरे तेल लगे इशनान करता फिरे भाई गुरदास साहब कहते हैं ऐसा जो प्राणी है ना वो अज्ञानी है वो अकिरत धन है। उस तो बंदा अंधा जेड़ा है ना दुनिया के अंदर कोई दूजा नहीं जो हो सकता जेड़ा अपने मां पिया छड़ के उन्होंने सेवा संभाल छड़ के दिखावे के कर्म करता फिर धन गुरदास महाराज कहते काहे पूर्व झगड़त हो सब बात जिनके जने वलीरे तुम हो तिन सिंह झगड़त पाए। पुत्र जिन्हां मापिया ने पन पैदा किया बाबा रखी चंदन के संबोधन करके आ गया सी पर सिक्ख्या जिहड़ी है ना वो सारिया वास्ते है कि जिन्हां मापिया ने पैदा किया जिन्हां मापिया ने अपनी गलबकड़ी विच लै करके पालिया पोसिया है थोड़ी जी प्रॉपर्टी पीछे थोड़ी जी गलबात पीछे असं उन्हों का त्याग कर देते हैं उन्होंने सेवा नहीं करते उन्होंने संभाल नहीं करते। यही कारण है कि जो गर्व आश्रम होंद में आए हैं ये साड़ी अज्ञानता है साड़ी अकिरत भिन्नता है। वृद्ध आश्रम क्यों नहीं क्योंकि असं अपने मापिया की सेवा त्याग करते अपने मापिया का सत्कार छड़ दिता इस करके वृद्ध आश्रम जेड़े ने होंद में आए सब संगत मापिया की सेवा करी। मैं बेनती कर रहा से पातशाह कहते वो वेखै ओना नजर न आवै बहुता इन विदान विदान कहते हैं अचरज हैरान करन वाली गल कहते ये गल जेड़ी है बहुत हैरान करन वाली है कि परमात्मा सारिया वेख लै तो असी परमात्मा वेख नहीं सकते क्योंकि असी पंज तत्वों से बने हुए हैं। साडे अंदर तत् है मिट्टी का तत् है जल का तत् है हवा का तत् है अग का तत् है आकाश का। असी पैदा हुए हाँ साडा शरीर है साडा आकार है साडे उत्ते समय का प्रभाव है पर परमात्मा का कोई शरीर नहीं कोई आकार नहीं परमात्मा का निरंकार है जिहड़ा आकार तो है तो होवे इस करके कोई रूप नहीं कोई रंग नहीं कोई उसकी जात नहीं कोई उसका मजहब नहीं वो सारियां का है किसी एक खिते विच रहन वाला नहीं। फिर ऐसे परमात्मा दे नाल जुड़िए जिहड़ा परमात्मा सारियां दे उत्ते मेहर करन वाला है सारियां नूं रिजक देण वाला है सारियां नूं पैदा करन वाला है सारियां दी संभाल करन वाला है। धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज कहते भाई बंदा जेड़ा ना आनंद की प्राप्ति ता ही कर सकता है जब गुरु के नाल जुड़ जाए क्योंकि गुरु साढ़े अंदर के भुले गिरिया दूर करता है गुरु साढ़े अंगों कटता है गुरु साढ़े अंदर गुण पैदा करता है गुरु साढ़े अंदर कर्मा पैदा करता है संतोख पैदा करता है त्याग पैदा करता है गुरु साढ़े अंदर दया पैदा करता है। धन गुरु अमरदास महाराज जी का ज्योति ज्योत गुरु मना रही है एक प्रण कर लेंगे कि सच्चे पातशाह असी तेरा पल्ला छड़ के दूजे पासे नहीं जाना हे गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज क्योंकि कोई किसी के उत्ते अपना
भरोसा रखता है, कोई किसी के उत्ते भरोसा रखता है। काहू को भरोसा जमीन के जमाने भी किसी का भरोसा जमीन के उत्ते अपनी जायदाद के उत्ते है, किसी का भरोसा अपने कुटुंब परिवार के उत्ते है, किसी का मित्र के उत्ते है। कि मेरा मित्र बहुत अमीर है, बहुत अच्छे अच्छे अहदे पर बैठा हुआ है, किसी का अपनी पढ़ाई के उत्ते है, किसी का अपनी जॉब के उत्ते है। पर सिख का जिहड़ा भरोसा है ना, मौके तो भरोसो एक ग्रंथ महाराज है। हरेक सिख के अंदरों ये आवाज निकलनी चाहिए है, सच्चे पातशाह तेरो तेरे बगैर मेरा कोई दूजा नहीं। किसी की आस किसी के नाल हो सकती है, कोई किसी के नाल जुड़ सकता है, कोई किसी की टेक लै सकता है, कोई किसी का आसरा लै सकता है। पर हे गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज, तेरे तो बगैर दुनिया के अंदर मेरा कोई दूजा आसरा नहीं। जे आनंद चाहते हो ना, फिर गुरु के नाल जुड़ जाइए। गुरु के नाल जुड़ के ही सानू आनंद की प्राप्ति हो सकती है। धन गुरु अमरदास महाराज जी की पावन पवित्र बाणी आनंद साहिब। प्रोग्राम भावें खुशी का हो गए, भावें गमी का हो गए, भावें घर विच बच्चा पैदा हो गए, भावें घर विच किसी की मौत हो गई, जदों भी कथा कीर्तन होता है, पाठ होता है, तो उस तो बाद आनंद साहिब का पाठ जरूर किया जाता है। छे पौड़ियां का तकरीबन असं करते हैं, पहलियां पंज पौड़ियां, एक अखीरली चाली पौड़ी। रामकाली राग विच धन अमरदास महाराज जी ने एक बाणी उच्चारण की हुई है, और तीन पौड़ियां विच आनंद की गल जिहड़ी है धन गुरु अमरदास महाराज जी ने की है। पहली पौड़ी विच, सत्तवी पौड़ी विच, चाली पौड़ी विच आनंद भया मेरी माए। पहली पौड़ी सत गुरु मैं पाया, सत गुरता पाया, सहज सिरते मन वधिया वाधिया। पातशाह कहते आनंद हो गया, आनंद मिल गया, पर मिलया आनंद भया मेरी माए कदों जी, सत गुरु मैं पाया जब सत गुरु की प्राप्ति कर ली। आनंद भया मेरी माए सत गुरु मैं पाया, सत गुरता पाया, सहज सिरती मन वधिया वाधिया। मन विच वधाइया पैदा हो गई, मन विच खुशियां ते खेड़े आ गए, राग रतन परवार आईया, शब्द गावणी आईया, शब्दोता गावो हारी तेरा मन जिनी वसाया, कह आनंद हुआ वह सतगुरु मैं पाया। गुरु कृपा करता है तां अंदर दे अवगुणां नूं कट दिंदा है, गुण पैदा कर दिंदा है, फिर आनंद दी प्राप्ति हुंदी। भावें असीं निक्की निक्की गल दे उत्ते कह दिंदे आ कि आनंद आ गया, आनंद मिल गया, पर नहीं, आनंद मिलदा कदों है? सत्तवीं पौड़ी सुनो, आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जाने, जाने आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किलविक करे ज्ञान अंजन सारे, अंदरों जिनका मोह उठा तिनका शब्द सच्चै सवारे, कह नानक के आनंद है आनंद गुरु ते जाने। हुण गुरु ने आनंद बख्श दिता, बख्शिया किवें? अपनी कृपा करके। और जदों गुरु कृपा करदा है किलविक करते, किलविक दा अर्थ है पाप, अंदर दे अवगुण ईर्ष्या द्वेष साड़ा, गुरु जिहड़ा है इन्हां नूं खतम कर दिंदा है, तेर मेर नूं खतम कर दिंदा है। ख्याल रखना, जिस दिन तेर मेर खतम हो गई, जिस दिन अंदर दे ईर्ष्या खतम हो गई, जिस दिन ये गल मुक गई कि मेरे ते अगे मेरा भरा मेरा गुआंढी मेरा मित्र क्यों वधदा जा रहा है, मेरे कोल कुछ भी नहीं, इसके कोल बहुत कुछ है, ये तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि असल विच ना असीं अपने दुख तों परेशान नहीं, असीं इस करके परेशान नहीं कि सानू रोटी चंगी क्यों नहीं मिल रही, साढ़े कोल रहन वास्ते चंगा घर क्यों नहीं, साढ़े कोल चलन वास्ते चंगे गड्डी को क्यों नहीं, असीं इस करके परेशान नहीं। साड़ी परेशानी का कारण जिहड़ा ना ये है कि दूजा जिहड़ा है
को रोटी चंगी क्यों खा रहे, दूजे दे कोल चंगा मकान क्यों है, दूजे दे कोल चंगी गली क्यों है। साड़ी परेशानी का कारण केवल केवल ये है। और जिस दिन गुरु कृपा कर देता है कि अंदर की तेर मेर खत्म हो जाती है तो फिर आनंद की प्राप्ति होती है। पर ख्याल रखना कि तेर मेर की भावना कोई होगी जब जैसे गुरु की संगत में आवेंगे। गुरु कृपा करेगा, गुरु कृपा कदों करता है जब असं गुरु की संगत में आ जाइए, गुरु में मिल जाइए। हम असं कह सकते हैं कि संगत में तो असं सारे आते हैं, पर संगत में आना यह नहीं कि असं शरीर करके आ गए, संगत में आना मन करके आ गए। मन गुरु में दे देता, मन गुरु के चरणों में रख देता, मन दिया जड़िया लगामा ने वो गुरु के हथियार में फड़ा दी। क्योंकि मैं अगे भी एक बेनती की सी, भाई लहना जी गुरु अंगद देव पातशाह महाराज भाई लहना के रूप में जब गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी के कोल जाते हैं ना, इतिहास द्वारा सारे जाणू हो कि घोड़ी के उत्ते बैठे हुए ने एक बजुर्ग बाबे नूं पुछदे ने कि गुरु नानक नूं जब मिलना है तो बाबा कहता है तो घोड़ी के उत्ते बैठा रहे लकामा मैं खड़ा होगा तो मैं गुरु नानक दे धर्मशाला में लै जावांगा। हुण वो बाबा जिहड़ा लकामा फड़ के अगे अगे तुरदा भाई लहना जी घोड़ी के उत्ते बैठे हुए ने तो जब धर्मशाला आ जाती है ना तो बाबा कहता है गुरु नानक अंदर है तो तू अपनी घोड़ी किले के नाल बन के अंदर आ जा। हम भाई लहना जी जब मत्था टेकते ने अंदर जा करके गुरु नानक तो मत्था टेक करके खड़े होते ने की वेखते ने ये तो उ नहीं जेड़िया मेरिया घोड़ी दियाँ लगामा फड़ के अगे अगे तुर आ रहे सर। कहते बड़े शर्मिंदा हुए माफी मंगन लगे भाई लहना जी गुरु नानक के पातशाह महाराज जी को। कहते बाबा नानक बहुत वड्डी गलती हो गई, बड़ा शर्मिंदा हाँ मैं घोड़ी के उत्ते बैठा सी ते उसे लगामा फड़ करके अगे तुर रहे सर। गुरु नानक के पातशाह महाराज कहते जी गल हुई जी पिछे गई उसको छड़ जा, हम अगली गल सुन। जे घोड़ी दियां लगामा मैं खड़ा दित्तियां ना ते तू मेरे दर तक आ गया, घोड़ी दियां लगामा मेरे हाथ विच सी, घोड़ी दियां लगामा तू मैं खड़ा दित्तियां ते गुरु नानक दी धर्मशाला तक आ गया। और ये गल समझ लैना, ये गल पल्ले पकड़ लैना कि जिस दिन अपने मन दियां लगामा तू मैं खड़ा देगा ना मैं तैनू परमात्मा तक पहुँचा देगा। इस गल नूं पकड़ लैना, जिस दिन असीं अपने मन दियां लगामा गुरु दे हत्थां विच फड़ा दित्तियां ना फिर गुरु जिहड़ा है सानूं परमात्मा तक लै जाएगा। ख्याल करियो असीं कहिंदे असीं जे पातशाह मन वी तेरा धन वी तेरा, तन करके भी असीं सेवा कर लवांगे, धन करके भी असीं पिछे नहीं हटांगे। पर सच्चे पातशाह मन देना ये बड़ा मुश्किल है, मन असीं कल नहीं दे सकते। और जिहड़ा मन नहीं दे सकता वो गुरु का प्यार गुरु की प्रीत कदे भी प्राप्त नहीं दे कर सकता। कहिंदे इक बंदा तुरिया जा रहा सी, कबीर जी ने पूछ लिया किथे जा रहे हैं, कहिंदा रे प्रेम लैण जा रहे हैं, प्रीत ही देण लैण जा रहे हैं। कबीर जी कहण लगे बदले विच ये लै के चले हैं क्योंकि खरीदेगा तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। असीं मार्केट जाते हाँ समान खरीदा, दुकानदार नाल ऐसे देते हैं तो समान खरीद लेंगे। कबीर जी कह लगे चलिया है तो कुछ ना कुछ लैके चलिया है करके प्रेम खरीदना है तो की बदले विच देगा। वो कहता जी सोना भी है चांदी भी रुपया पैसा बहुत है, एक छापे विच प्रेम रखांगा तो दूजे छापे विच बदले मैं सोना रखा देंगा। क्योंकि सोना बड़ी कीमती चीज़ है, महंगी है, तोले दे ग्राम के हिसाब नाल विकदी है। कबीर जी कह लगे नहीं सजना, जे तू गुरु का प्रेम खरीदना चाहता है ना तो फिर ये सोने चांदी के बदले नहीं दे मिल सकता, फिर मिलेगा किमें। खर्चन स्यों पाई है नहीं कौल, मन दे राम लिया है। ये मन गुरु के चरणों में रखना पड़ेगा, तन दे नाल धन दे
ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਲਗਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ ਵਿਸਰ ਗਈ ਸੰਸਾਰ ਹਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨ ਆਈ। ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਾ ਬਿਗਾਨਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਈਰਖਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਦਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਹਯਾ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗੀਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਹੁੰਦੇ ਪਾਰ ਤਬ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ, ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ, ਆਨੰਦ ਬਣੇ ਕਿਵੇਂ? ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਜਦ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਪ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਕਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਣਦੇ ਪੁਨੀਤ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਸ ਵਾਜਾ ਵਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਾਜੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਵੱਜਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਵਣ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਵਾਜੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਵਾਜਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਫਿਰ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਸੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਨਾ ਕਹੀਏ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੀ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ, ਤਿਸ਼ਠਾ ਤੋਂ ਰੱਖਣ ਮਾਹੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਹੀਏ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ। ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸ਼ਿਕਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਕਵੇ ਬਹੁਤ ਹਨ ਸਾਡੇ। ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬੰਨ ਸਕਾਂ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇੰਨਾ ਉੱਤਮ ਇੰਨਾ ਬਲ ਬਖਸ਼,
कि मैं इस भाने मिठा करके मन लवान सुख वेले श्री रंगा दुख वेले अरदास हर वेले सिमरन भावें दुख है भावें सुख है सिमरन जो चलते ही रहना चाहिए है जे हो गए सुखी आना सुख सने हर भैन जाके कंचन माटी मान यह अवस्था है बंदे की पर यह अवस्था उदों बनती है जब असी गुरबाणी के नाल जुड़ते हैं गुरु कृपा जे नर कीनी जगत पछाणी नानक लीन भयो ज्यों पानी संग पानी फिर बंदा एक मिक हो जाता है परमात्मा के नाल बंदा जुड़ जाता है परमात्मा के नाल आनंद की प्राप्ति होती है। धन गुरु अमरदास महाराज कहते सजना गुरु तो बगैर असं कितने भी भटकते रहेंगे पर गुरु तो बगैर साड़ी गल नहीं जो हो सकती गुरु तो बगैर सानू आत्मक आनंद की प्राप्ति नहीं जो हो सकती पर प्रेम के आप जी के चरणों में करते हैं जना जना गुरु बन के बैठा है लुटदा पाया दुनिया इस करके सच्चे गुरु के नाल जुड़िए श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी के नाल जिहड़ा ना अपने वास्ते कुछ मंगता है ना ये कहता मैं भुख लगी है ना प्यास लगी है ना ये कहता मेरे वास्ते ये लै करके आओ तो ना जन्म विच है ना मरण विच है जिस गुरु को असी जुगो जुग अटल कहते सत संगत गुरबाणी के अंदर परमात्मा वास्ते लफज वरते गए ने शब्द वरते गए ने आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी भी सच परमात्मा सदी भी वास्ते सच है क्योंकि वो जन्मता नहीं उसका जन्म नहीं तो मरण भी नहीं तो जिसे परमात्मा सदा वास्ते सच है ना उत्थे श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी भी जुगो जुग अटल नहीं वो कभी मरण वाले नहीं कभी जान वाले नहीं ये नहीं कि एक गुरु मर गया तो फिर दूजा धारण करना पड़ेगा नहीं सतगुरां ने तां सानू शब्द के नाल जोड़े आ क्योंकि शब्द कदे मरदा नहीं सो शब्द के नाल जुड़िए और शब्द ही साडा पार उतारा कर सकता है। गुरु नानक ने अपनी तां जिंदगी सानू शब्द के नाल जोड़ी शरीर के नाल नहीं क्योंकि शरीर मर जाएगा शरीर जख्मी हो जाएगा शरीर का कोई भरोसा नहीं हम आदमी हाँ एक कमी मोहलत मौत ना जाना शरीर का कोई भरोसा नहीं कदों चला जाएगा कदों इसकी मौत हो जाएगा कोई भरोसा नहीं जे श्वास आ रहा है तो शरीर है जे श्वास मुक गया लाश बन गई असं कहते हैं निकंडो चेते करके नहीं तो इस बदबू आनी शुरू हो जाएगी और ख्याल करो जब श्वास मुकते ने फिर असं सोचते हैं बड़ा बड़िया सिलियां रखिए डी फ्रीजर रखिए इलाम करके बदबू ना आ गए क्योंकि श्वासा की कीमत है श्वास आ रहे ने तो शरीर है श्वास आ रहे ने तो यह मनुख है श्वास आ रहे ने तो बंदा है श्वास मुक गई फिर यह दस बन जाती है डेड बॉडी बन जाती है। पातशाह कहते शब्द के नाल जुड़िए सतगुरां ने सानू शब्द के नाल जोड़े है। गुरु नानक सवाल किया सीना सिखा कवन गुरु जिस बात चिन्ह पातशाह ने जवाब दिया शब्द गुरु सुर सुर चेता मेरा जो गुरु है ना वो शब्द है। गुरु नानक ने शब्द के नाल जोड़े है। गुरु नानक पातशाह लंका गए ने राजा शिवनाथ मिले मैं संक्षेप बेनती कर देना क्योंकि साथी लंबी है जो जो पूरन लगे ना तो राजा शिवनाथ कहता सच्चे पातशाह तुम जा रहे हो दोबारा दर्शन कदों होंगे क्योंकि
क्योंकि मेरे अंदर दर्शन की तांग है, थोड़े दर्शन तो बगैर मैं नहीं जी रह सकता। वैसे तो सिख की भावना के मेरी दर्शन दे जीवा तेरा पूरा धर्म होए तब मेरा दर्शन क्या सी दिन सरात चितमो अनुभव नीत खोल पलक गुर मेलिया नाना हरसन नी असि अरदास करते हैं धर्माते खड़े दरबार तुझ बिन सिख करै तू मेरी दर्शन दी जय जय खोल दीवार। राजा शिव नाम ने गुरु नानक कह दिया सच्चे पातशाह दोबारा कदों दर्शन होंगे क्योंकि थोड़े दर्शन तो बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। थोड़े दर्शन की तांग थोड़े दर्शन की इच्छा मेरे अंदर बार बार पैदा होती है, इस करके छेती दर्शन देना। गुरु नानक जिहड़ा जवाब दिता सी ना सानू सारिया समझ लेना चाहिए। अत सत्कार योग वीर जीओ सरदार परविंदर सिंह भाटिया जी साढ़े विचकार आ गए ने, किसी पहचान दे मोहताज नहीं, बड़ी कृपा सतगुरु दे उत्ते। और मैं अक्सर एक बेनती करदा कि उस सिख का जीवन जेड़ा ना संपूर्ण है, जिस दा घर धन दे नाल भरपूर होवे, घर विच किसे चीज दी परमात्मा ने कमी ना रखी होवे, क्योंकि धनवान होना भी एक परमात्मा की कृपा है। घर विच कोई कमी ना होवे एक परमात्मा की कृपा है। घर जेड़ा है धन रुल रहा होवे, धन घर दे अंदर धन की कोई कमी ना होवे, और हिरदा घर जेड़ा है ना ये नाम धन दे नाल भरपूर होवे, वो शख्सियत ने वीर जी सरदार परविंदर सिंह भाटिया। मैं बेनती करदे वां कि जे असी गुरु का प्यार खटना चाहते हैं ना, गुरु का सिख बनना चाहते हैं, फिर गुरु के बाणी विच तुरीए। गुरु अमरदास महाराज जी का एक बचन कह के मैं समाप्ति कर देवा। पातशाह कहिंदे गुरु का सिख, गुरु का संबंधी, गुरु का मित्र, गुरु का पुत्र केवल उही है जेड़ा गुरु दे हुकम विच तुरदा होवे। सो सिख सखा बंदप है भाई, जे गुर के पाने विच आवे आपने पाने जो चले भाई, विछुड़ चोटा खावे। गुरु अमरदास महाराज जी का ज्योति ज्योत गुरपुर मना रहे हो, ये अहद कर लईए, प्रण कर लईए कि अज तो बाद असी गुरु दे हुकम विच तुरना है, क्योंकि गुरु दे पुत्र, गुरु दे मित्र, गुरु दे सिख, गुरु दे सेवक असी तां ही बन सकते हैं जे गुरु दे बाणे नूं मिठा करके मन्नांगे, गुरु दे हुकम विच तुरांगे। हुण आप जी ने लाहा लैणा है, अमृत रस कीर्तन कौंसल साढ़े विचकार आ गई है। बड़े प्यारे जत्थे ने सारे जदों अंदर जुड़ के जिथे शरीर के नाल बैठे हाँ ना, तन दे नाल बैठे हाँ, जे मन करके भी बैठ गए तो वाकई कीर्तन विच्चों रस आउंदा है, ते यही रस है जेड़ा रस सानू परमात्मा दे नाल जोड़दा है। भुल्लां चुक्कां दी मुआफी, बुलाओ फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।